बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट। आज का हमारा टॉपिक है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉज ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। अब इसमें लेट ए बी एंड सी आर थ्री मैट्रिसेस, देन डिस्ट्रीब्यूटिव लॉज ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन आर: नंबर वन, ए इंटू बी प्लस सी इज इक्वल टू ए बी प्लस ए सी। नंबर टू, ए प्लस बी इंटू सी इज इक्वल टू ए सी प्लस बी सी। फर्स्ट हम इसको अंडरस्टैंड कर चुके हैं, अब हम सेकंड पार्ट इसका करते हैं। सेकंड कंडीशन, सेकंड प्रॉपर्टी ऑफ लॉज ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉज ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन की सेकंड प्रॉपर्टी को सॉल्व करते हैं। इसके लिए मैंने थ्री मैट्रिसेस ली हैं, ए बी सी। अब सेकंड इसकी प्रॉपर्टी है हमारे पास ए प्लस बी इंटू सी इज इक्वल टू ए सी प्लस बी सी। ये इसकी लेफ्ट हैंड साइड है, ये राइट हैंड साइड है, लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड। वेरीफाई करते हैं लेफ्ट हैंड साइड को। फर्स्ट ऑफ ऑल ए प्लस बी, ए प्लस बी, ए वैल्यू टू थ्री, माइनस वन जीरो, प्लस बी जीरो वन थ्री वन, इंटू सी, ब्रैकेट पुट कर देते हैं, सी की वैल्यू लिख लेता हूँ मैं। सी की वैल्यू हमें गिवन है टू टू माइनस वन जीरो। अब सॉल्व करते हैं, सम अप करता हूँ मैं। फर्स्ट रॉ फर्स्ट कॉलम टू प्लस जीरो, ये देखें टू प्लस जीरो, ये थ्री, ये तो कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज को हमने ऐड करना है, टू प्लस जीरो और थ्री प्लस वन, थ्री प्लस वन, माइनस वन प्लस थ्री, जीरो प्लस वन। इस तरह लिखने से एक स्टेप बढ़ जाएगा, आंसर करेक्ट आएगा, माइनस वन जीरो। अब ये टू में जीरो ऐड करें, टू, थ्री प्लस वन फोर, ये माइनस वन प्लस थ्री टू, आंसर विल बी टू, वन प्लस जीरो वन। अब मल्टीप्लाई करते हैं, टू टू माइनस वन जीरो, ये देखता हूँ मैं। फर्स्ट रॉ फर्स्ट कॉलम इक्वल टू फर्स्ट रॉ फर्स्ट कॉलम टू मल्टीप्लाई टू प्लस फोर मल्टीप्लाइड माइनस वन, फिर फर्स्ट रॉ सेकंड कॉलम टू मल्टीप्लाई टू प्लस फोर मल्टीप्लाइड जीरो। फिर जी सेकंड रॉ फर्स्ट कॉलम टू मल्टीप्लाई टू प्लस वन मल्टीप्लाइड माइनस वन, फिर सेकंड रो सेकंड कॉलम टू मल्टीप्लाई टू प्लस वन मल्टीप्लाइड जीरो। अब इसको सॉल्व करता हूँ मैं, टू मल्टीप्लाई टू फोर माइनस फोर, टू टू ज़ार फोर, फोर प्लस जीरो, टू टू ज़ार फोर माइनस वन, और टू टू ज़ार फोर प्लस जीरो। अब इसका आंसर आ जाएगा फोर माइनस फोर जीरो, फोर प्लस जीरो फोर, फोर माइनस वन थ्री, फोर प्लस जीरो फोर। ये हमारे पास आ गई लेफ्ट हैंड साइड। अब इस लेफ्ट हैंड साइड को मैं आंसर ऊपर लिख लेता हूँ ताकि हम राइट हैंड साइड को प्रूव कर सकें। लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू जीरो फोर थ्री फोर। अब इसको मैं अरेज कर देता हूँ, फिर हम राइट हैंड साइड वेरीफाई करते। अब राइट हैंड साइड वेरीफाई करते हैं, राइट हैंड साइड में दी हुई वैल्यू, राइट हैंड साइड ये वैल्यू दी हुई है ए सी प्लस बी सी। ए की वैल्यू लिखता हूं मैं, ए हमें गिवन है टू थ्री और माइनस वन जीरो। इसको सी से मल्टीप्लाई करते हैं, सी वैल्यू हमें दी हुई है टू टू माइनस वन जीरो, प्लस बी सी, बी की वैल्यू गिवन है जीरो वन थ्री वन, और फिर साथ सी की वैल्यू अगेन टू टू माइनस वन जीरो। अब सॉल्व करें, ये फर्स्ट रॉ फर्स्ट कॉलम टू मल्टीप्लाई टू प्लस थ्री मल्टीप्लाइड माइनस वन, फिर फर्स्ट रो सेकंड कॉलम टू मल्टीप्लाई टू
प्लस थ्री मल्टीप्लाइड जीरो, फिर सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम माइनस वन मल्टीप्लाइड टू प्लस जीरो मल्टीप्लाइड माइनस वन। फिर हम वैल्यू को करते हैं सेकेंड रो सेकेंड कॉलम माइनस वन मल्टीप्लाइड टू प्लस जीरो मल्टीप्लाइड जीरो, इसको क्लोज कर देता हूँ, प्लस का साइन लगाया। नेक्स्ट सॉल्व करते हैं, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम जीरो मल्टीप्लाइड टू प्लस वन मल्टीप्लाइड माइनस वन, फिर फर्स्ट रो सेकंड कॉलम जीरो मल्टीप्लाइड टू प्लस वन मल्टीप्लाइड जीरो, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम थ्री मल्टीप्लाइड टू प्लस वन मल्टीप्लाइड माइनस वन, फिर सेकंड रो सेकंड कॉलम थ्री मल्टीप्लाइड टू प्लस वन मल्टीप्लाइड जीरो। अब फिर इसको सॉल्व करता हूँ मैं, टू टू ज़ार फोर माइनस थ्री, ये माइनस टू प्लस जीरो, माइनस टू प्लस जीरो। आंसर लिखता हूँ मैं, टू टू ज़ार फोर प्लस जीरो और माइनस टू प्लस जीरो, क्लोज कर देते हैं, प्लस करता हूँ मैं, जीरो माइनस वन और थ्री टू ज़ार सिक्स माइनस वन, और इसका आंसर आ जाएगा जीरो प्लस जीरो, जीरो प्लस जीरो और थ्री टू ज़ार सिक्स प्लस जीरो। अब फिर सॉल्व करते हैं इसको, फोर माइनस थ्री आंसर विल बी वन, फोर प्लस जीरो फोर माइनस टू प्लस जीरो माइनस टू, माइनस टू प्लस जीरो माइनस टू, प्लस जीरो माइनस वन माइनस वन, जीरो प्लस जीरो जीरो, सिक्स माइनस वन फाइव और सिक्स आ जाएगा। फिर प्लस में कॉरेस्पॉन्डिंग एंट्रीज को प्लस माइनस करते हैं, वन प्लस माइनस वन तो जीरो आंसर आ जाएगा, फोर प्लस जीरो फोर आंसर आ जाएगा, माइनस टू प्लस फाइव थ्री आंसर आ जाएगा, माइनस टू प्लस सिक्स फोर आंसर आ जाएगा। स्टूडेंट देखा हमारे पास ये जो राइट हैंड साइड थी, इसका आंसर आया हमारे पास एज सेम एज लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड का आंसर हमारा हमारे पास आ गया जीरो फोर थ्री फोर। अब बोथ साइड आर इक्वल, हेंस प्रूव क्या, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, बोथ आर वेरीफाइड। तो स्टूडेंट्स उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी, प्रैक्टिस करें, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के साथ किसी और आसान तरीके से मिलते हैं दोबारा, अल्लाह हाफिज़।